है वेलकम बैक गाइज, मैं श्रीधर दुरत, मी धनंजय मुंशीकर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं श्रीधर दुरत ब्लॉग्स में। और आज हम जा रहे हैं कनकेश्वर मंदिर, ये पार्ट टू है क्योंकि पार्ट वन में हम लोग गए थे कीम, मतलब कीम बीच है ना वहाँ का। तो अगर यहाँ पे कैसे आना है वो आपको जानना होगा तो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वो जाके पहला वीडियो देख लेना। और ये पार्ट टू है, मेरे पीछे देख सकते हो कनकेश्वर फाटा है जहाँ पे आपको बस छोड़ देती है। लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ, हम लोग आए थे करंजा जेटी से नवी मुंबई से, वहाँ से आपको मतलब फेरी मिलती है, 20 रुपये छोड़ देती है आपको रेवस, और रेवस से आपको बस मिल जाती है जो 30 रुपये लेके छोड़ देती है आपको कनकेश्वर फाटा। वहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे आपको रिक्शा टैक्सी मिल जाती है जो 100 रुपये में छोड़ देती है, लेकिन हम लोग गाड़ी से है तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये जो कनकेश्वर मंदिर है वो काफ़ी फेमस है दोस्तों, और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और अभी हम लोग शॉर्ट्स में है, देख सकते हो हम आए थे जींस पे, उसकी स्टोरी भी आपको पार्ट वन में मिल जाएगा। तो यहाँ ये वीडियो देखने से पहले पार्ट वन जरूर देख लेना, ठीक है। दोस्तों फाइनली हम लोग जिस मंदिर के निकले थे वहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ से हमारा जो मेन ट्रैक है ना वो शुरू हो जाएगा। टोटल 650 जो स्टेप्स है वो चढ़ के हमें ऊपर तक जाना है, ऊपर वहाँ पे जाना है मंदिर के पास, और बीच में भी एक मंदिर लगता है। और जैसे हम आते हो यहाँ पे नीचे भी एक मंदिर है, और यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे आप गाड़ी रख सकते हो, सेफ है। लेकिन यही है कि मतलब गाड़ी कोई आके बैठ गया थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो गाड़ी अच्छी जगह पर लगाना क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, गाड़ी नीचे गिर सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मंदिर के यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट है ना वो बनाया जा रहा है अच्छी तरीके से। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक दो सिनेमेटिक शॉट्स दिखा देता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ आपको। ये जो मंदिर है उसकी कहानी बताऊंगा आपको, दो कहानी बताई जाती है इस मंदिर के बारे में, वो दोनों आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने आधा ट्रैक जो है कंप्लीट कर लिया, और बंटी भाई की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई तो वो थोड़ा रेस्ट कर रहे नीचे, वो पीछे से आएंगे या फिर उधर ही रुकेंगे, मैं ऊपर जाके आ रहा हूँ आपको मंदिर दिखाना इतना आए तो। तो इस मंदिर के बारे में दो कहानियाँ बताई जाती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था। पहली कहानी ये कि जो भगवान परशुराम थे वो भगवान शंकर जी को मतलब प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो परशु है उनका जो अस्त्र था वो तुम जहाँ पे फेंकोगे समंदर के पास, और समंदर के पास जो नई भूमि तैयार हो जाएगी वहाँ पे मेरा जो है शिवलिंग जो है प्रकट होगा, सुवर्ण शिवलिंग ऐसे कहा जाता है। और वो जो जगह थी वो यही है अपना यहाँ पे। और इस मंदिर की खास बात ये है कि ऐसे भी कहा जाता है, मैं मंदिर में गया ना, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि यहाँ का जो शंकर जी की जो पिंड है, पिंडी पिंडी जो लिंग है, शिवलिंग है, उसके बीच में से गंगा बहती है, गंगा आती है, तो कितना खूबसूरत है मंदिर, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है। दूसरी स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ। सो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सेकंड स्टोरी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वजह से इस जगह का नाम जो कनकेश्वर रखा गया है ना, उस वजह से ऐसे कहा जाता है, दंतकथा है कि बोलते थे लोग कि कंकासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, मतलब असुर हुआ करता था वो, मतलब वो भी जैसे परशुराम, भगवान परशुराम जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जैसे तप पे बैठे थे वैसे ही उन्होंने भी किया, और भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उनको जो वर चाहिए था वो दे दिया। तब ऐसे कहा जाता है कि कंकासुर जो राक्षस था, असुर था, उसने कहा कि इस जगह पे मतलब असुर और देव एक ही साथ रहे, मतलब मिलजुल के रहे। तब वो भी मतलब भगवान शंकर ने उनकी जो ये थी मनोकामना थी उस पर तथास्तु कह दिया। लेकिन बाद में जो भगवान थे, बाकी जो भगवान थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, और वो भी वो कंकासुर को ऐसा ऐसा उल्टा लेटा के उसके पीठ के ऊपर जो यज्ञ रहता ना वो किया, और वो यज्ञ इतने दिन चला कि उसमें जो कंकासुर था उसका मतलब वध हो गया, उस वजह से इसे कनकेश्वर ऐसे नाम मिला है, ऐसी एक दंतकथा है, ठीक है। अभी मैं करेक्ट हूँ गलत हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी ऑलमोस्ट मैं आधे में पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और मेरा हालत देख सकते हो, हुलिया देख सकते हो, बीच में एक पानी का पॉइंट मिला था जो काफ़ी सही था, इसकी वजह से मुझे जो फ्रेश लगा। और ये जो मंदिर है आपको पहले ऐसे चढ़ के आना है, फिर बीच में ऐसे प्लेन है, फिर नीचे उतरना है। मंदिर जो है ना वो दो पर्वतों के बीचों बीच बसा हुआ है, तो वो खूबसूरता बढ़ाती है मंदिर की। और भी आपने अगर इसके वीडियो पहले नहीं देखे होगे तो अभी यहाँ तक रुके हो, इन तक ज़रूर रुकना, मैं आपको पूरा प्रॉपर व्यू बताया। तो
तो जैसे आप थोड़ा आगे आ जाते हो ना, आपको यहाँ पे श्री पालेश्वर मंदिर देखने मिलता है, जिसका काम चल रहा है, अच्छी बात है। और अंदर भगवान शंकर की और एक प्रतिमा है, मतलब शिवलिंग है, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेंचेस दिए गए, आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे ना, हर एक जगह पे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बेंचेस दिए गए जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से कुछ 100-150 स्टेप्स बाकी रहेंगे, चलिए चलते हैं। So, दोस्तों जस्ट हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए और ये मेन गेट है मंदिर का। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये गेट है, प्रवेश द्वार है, यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है। ठीक है, ये है हमारा ब्रह्मकुंड। अगर आप बारिश के मौसम में आते हो ना, तो सच्ची कह रहा हूँ, ये लोकेशन देख के बहुत सारे लोग जान चुके होंगे कि यहाँ पे कितने सारे रील्स वायरल हुए, मतलब रील जो है बनाए हुए और वायरल हुए। तो ये लोकेशन काफ़ी सही है, मेरे को मतलब रह गया, नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो मैं मानसून में आऊँगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते मंदिर के पास। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। अभी मैंने हाथ पैर धो लिया, यहाँ पे फ्रेश हो लिया और देखो जीन्स भी पहन लिए मैंने, शॉर्ट्स पे था। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ना, मंदिर के सामने मतलब पीछे के साइड एक कुंड है, वहाँ पे जाने क्यों नहीं देते और उस कुंड की क्या जानकारी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे मंदिर है, तो मैं अभी अंदर जाता हूँ, एक एक करके सारे मंदिर मतलब आपको मतलब सिनेमैटिक इसमें दिखाने का ट्राई करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आउटरो में। ठीक है, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. सो दोस्तों फाइनली ये देख सकते हो, मंदिर के पीछे की साइड में आ चुका हूँ, ऊपरी हिस्से में। यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर, दूसरा शंकर भगवान का मंदिर, तीसरा जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, चौथा जो है गणपति भगवान का मंदिर है, पांचवा शंकर भगवान का मंदिर है, और ये छठा ये भी शंकर भगवान का मंदिर है। टोटल 6 मंदिर है यहाँ पे आपको जो देखने मिल जाएंगे। और नीचे और एक मंदिर है, मतलब जो अंदर अंकल थे उन्होंने बताया, नीचे और एक मंदिर है जहाँ से आपको 3-3 किले का जो व्यू है वो देखने मिलता है। तो उसी के लिए अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, अभी हम चलते हैं नीचे की ओर, मिलते हैं आपसे आउटरो में। तो दोस्तों फाइनली हमारे सारे मंदिर कवर करके हो चुके हैं। अभी मैं आखिरी मंदिर के पास हूँ, पानाबोई मंदिर, और ये दूसरे रास्ते पे मिलता है। मंदिर में आने के लिए दो रास्ते, एक नया वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग गए थे, जो प्रॉपर बनाया हुआ है जहाँ से आपको आसानी होती, और ये दूसरा वाला रास्ता है जो पुराना रास्ता है जहाँ से बहुत सारे लोग आते थे। और मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ना 3 किले आपको देखने मिलते हैं। कोलाबा फोर्ट है, मुरूर जंजीरा फोर्ट है उस साइड, अभी ये पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो थोड़ा नीचे जाओगे ना, तो आपको ओपन व्यू है, यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन अभी धुका है, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है पूरा। ठीक है, और एक फोर्ट है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो 3 फोर्ट आपको यहाँ से देखने मिल जाते हैं। और मेरे पीछे मंदिर है दोस्तों, मंदिर काफ़ी सुंदर है। आपको यहाँ पे अगर आप अलीबाग आते हो घूमने के लिए, तो एक दिन सुबह जल्दी उठ के मंदिर में आ जाना, भगवान के दर्शन लेना, काफ़ी सुंदर लगेगा। और अगर बारिश में आते हो ना, तो एकदम बादशाह लोकेशन है ये, मतलब ये लोकेशन आहा, मतलब बीच से भी ज़्यादा मज़ा देगा आपको। ठीक है,
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों अलीबाग से मुझे अभी पैर हो चुका है, मतलब देखो बहुत मुंबई तो बहुत घूम लिया मैंने और बहुत सारे वीडियोस बना लिए, तो अभी अलीबाग के मतलब मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब इतने ज़्यादा लोकेशंस बताए ना कि ऑलमोस्ट 10 से 12 वीडियोस यहाँ पे ही हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अगर पॉसिबल होता है ना तो एक अलीबाग की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप बता देना मुझे आपको अलीबाग वाला सीरीज चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।